प्री एडमिशन ओपन चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो 31 जुलाई का टाइम डिसाइड किया था उसे एक्सटेंड करके 15th ऑफ अगस्त कर दिया है। और मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में कहीं आपके बच्चे पढ़ रहे हों और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप सावन स्कूल का विजिट अवश्य करें। बहुत अच्छे से हम डिसिप्लिन में रखकर, अनुशासन में रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं और अजमेर शहर का बहुत अच्छा स्कूल जहाँ बच्चों के लिए समर्पित टीचर हैं, समर्पित डायरेक्टर है और समर्पित विद्यालय है। आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि सावन स्कूल का विजिट अवश्य करें, एक बार ज़रूर देखें सावन स्कूल आकर कि हम बच्चों को, हमारे यहाँ पढ़ाने की बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसमें थिएटर का यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरीज का यूज़ किया जाता है, वर्कशीट बेस्ड वर्क किया जाता है और बहुत सारे पढ़ाई के साथ साथ हम स्विमिंग पूल का क्लासेस देते हैं बच्चों को, जिम की क्लासेस देते हैं, म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, इंडोर गेम्स में हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, टेबल टेनिस है, चेस है, कैरम है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना सावन स्कूल का मुख्य उद्देश्य है और समय समय पर मोटिवेशनल क्लासेस बच्चों को दी जाती है ताकि वे अपने जीवन में अच्छे निर्णय ले सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। कौन कौन से हमारे यहाँ 12th क्लास में, 11th और 12th में तीनों फैकल्टीज़ हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और आर्ट्स में मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से बच्चा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकता है। और साइंस में PCM है, बायो है और कॉमर्स में है, तीनों फैकल्टीज हमारे पास हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों के पास आते हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी 30% तक का इम्प्रूवमेंट सावन स्कूल देता है। नमस्कार, मैं सावन सीनियर सेकेंडरी से हरीश कुमार शर्मा। अभी एडमिशन ओपन चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो 31 जुलाई का टाइम डिसाइड किया था उसे एक्सटेंड करके 15th ऑफ अगस्त कर दिया है। और मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में कहीं आपके बच्चे पढ़ रहे हों और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप सावन स्कूल का विजिट अवश्य करें। बहुत अच्छे से हम डिसिप्लिन में रखकर, अनुशासन में रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं और अजमेर शहर का बहुत अच्छा स्कूल जहां बच्चों के लिए समर्पित टीचर हैं, समर्पित डायरेक्टर है और समर्पित विद्यालय है। आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि सावन स्कूल का विजिट अवश्य करें, एक बार ज़रूर देखें सावन स्कूल आकर कि हम बच्चों को, हमारे यहाँ पढ़ाने की बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसमें थिएटर का यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरीज का यूज़ किया जाता है, वर्कशीट बेस्ड वर्क किया जाता है और बहुत सारे पढ़ाई के साथ साथ हम स्विमिंग पूल का क्लासेस देते हैं बच्चों को, जिम की क्लासेस देते हैं, म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, इंडोर गेम्स में हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, टेबल टेनिस है, चेस है, कैरम है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना सावन स्कूल का मुख्य उद्देश्य है और समय समय पर मोटिवेशनल क्लासेस बच्चों को दी जाती है ताकि वे अपने जीवन में अच्छे निर्णय ले सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ 12th क्लास में, 11th और 12th में तीनों फैकल्टीज़ हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और आर्ट्स में मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से बच्चा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकता है। और साइंस में PCM है, बायो है और कॉमर्स में है, तीनों फैकल्टीज़ हमारे पास हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों के पास आते हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी 30% तक का इम्प्रूवमेंट सावन स्कूल देता है।